महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन हो चुका है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। इसके बाद भी महाराष्ट्र में सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। शिंदे के सीएम बनने के बाद अब महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव को लेकर नई सियासी चर्चा जोर पकड़ने लगी है। एनसीपी चीफ शरद पवार ने अपनी पार्टी के विधायकों से मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहने के लिए कहा है, तो अब मध्यावधि चुनाव को लेकर शिवसेना के सांसद संजय राउत का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर महाराष्ट्र में आज मध्यावधि चुनाव होते हैं तो शिवसेना 100 से अधिक सीटें जीतेगी। सुनिए संजय राउत ने क्या कहा। सर जानना चाहेंगे 200 सीट जीतने की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री कौन? ये 200 सीट जीतने की बात है नहीं, दिल्ली वाले कह रहे हैं। यहाँ क्या होगा? शिवसेना को भी पूरा विश्वास है। कल उद्धव ठाकरे साहब ने कहा है आप अभी मिड टर्म बोल लीजिए, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? हम तैयार हैं। चलो जनता के बीच जाएंगे, जनता के न्यायालय में जाएगी, हमको पूरा विश्वास है। अगर अभी चुनाव होता है तो 100 से भी ज़्यादा सीटें हम जीत कर विधानसभा में आने की हिम्मत ताकत हमारे में है, क्योंकि हमें मालूम है हम असली है। ये बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना है और किसी की शिवसेना नहीं हो सकती। आप पैसे के बल पर और दिल्ली के सेंट्रल एजेंसी की ताकत पर आप किसी पार्टी को इस देश में, मैं महाराष्ट्र की बात नहीं कर सकता, इस देश में हाईजैक नहीं कर सकते। ममता जी ने जो कहा है ना कि पैसा नहीं मिला है और भी कुछ मिला है, ये और भी कुछ में बहुत बड़ा रहस्य छुपा है और जल्दी वो रहस्य सामने आ जाए। बता दें कि इससे पहले शरद पवार ने एनसीपी के विधायकों और पार्टी के नेताओं को संबोधित करते हुए दावा किया था कि शिंदे सरकार अगले 5 से 6 महीने में गिर जाएगी। उन्होंने पार्टी के विधायकों को मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहने और अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में अधिक से अधिक समय गुजारने के लिए कहा था।